थका दिया मेरा सांस, फूल गया बाबा जी, हाइकिंग प्लस काइट फ्लाइंग। अभी जी हमारा आखिरी गुड है, शाम का टाइम भी हो गया, मैंने सोचा कि कैसे उड़ा रहा जी, सतरंगी डाई था वो, उसके साथ पेचा लगाते हैं, छिक फेर ओके। ओ जी छोटे छोटे बच्चे जी, मम्मियां हमारे पतंगे लेके फिर रहे हैं, ये कल हमारी कटी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अमाद खान पाकिस्तानी। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अमाद खान पाकिस्तानी के चैनल पे काइट्स वीडियोस देख के सही एंजॉय करते होंगे। आज है जी मंडे का दिन है और मंडे के दिन में ऐसा है कि लोग काम वगैरह करते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी फ्री हैं। इसलिए फ्री हैं क्योंकि हमारे आउट ऑफ कंट्री के बहुत सारे ऑर्डर हैं जो कि अभी तैयार हो रहे हैं, साथ साथ तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान की डिलीवरी क्लोज की हुई है, सिर्फ आउट ऑफ कंट्री की जो डिलीवरी है उसको हमने ऑन किया, तो उनके ऑर्डर वगैरह बहुत सारे हैं पेंडिंग में, तो सारे सारे तैयार होते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम साथ साथ जो जो तैयार होंगे आपको वीडियो भी बताएंगे, और इंशाल्लाह लोगों के जिनके ऑर्डर हैं जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम भेजेंगे अपनी मर्जी की चीज़ें और उनके मर्जी की कलेक्शन की चीज़ें इंशाल्लाह से। ये है कि कैसर वगैरह को बुलाया हुआ है, कैसर वगैरह आ रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हमारा मूड बन रहा है कि आज हम जो कि हमने अपने लिए पतंगे बनाई थी वो भी फ्लाई करें और साथ में हम कोई डेढ़ तावे का शो भी करें, मिल के कोई इंजॉय वगैरह करें किसी ऐसी जगह पर जाके जहाँ पर हमें खूब मज़ा है, क्योंकि हवा वगैरह वहाँ पर तेज़ होनी चाहिए। कैसर आता है तो उसका वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको साथ लेके फिर निकलते हैं। तो काइट फ्लाई करने के लिए जाना था तो सोचा कि हम अपने लिए काइट्स वगैरह पहले से ही निकाल के रख लेते हैं जो कि हम अपने साथ लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह आज बड़ी फिट काइट फ्लाइंग करने लगे हम, हमारे पास हैं जी। सबसे पहले हम ये तावे वगैरह लेके जा रहे हैं, बड़े प्यारे किस्म के तावे हैं, ये गोल तीले वाले हैं, ये देखें ये बड़े प्यारे हैं, और पेपर आप चेक करें लश किस्म का पेपर है येलो कलर में, ये हम चार लेके जा रहे हैं अपने साथ। और इसके अलावा जी ब्लैक जेट ब्लैक में डेढ़ तावा, ये भी हम अपने साथ लेके जाएंगे, ये जोड़े में लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद है जी ये भी पेयर है लेकिन ये डिफरेंट है, दो डिफरेंट कलर में है, सेम बने हुए डिफरेंट है थोड़े से ना कलर में, ये ऑरेंज है, ऑरेंज ही बोल सकते हो, येलो बोल सकते हो, येलो येलो, हाँ ये येलो येलो येलो, हम भूल गए थोड़ा सा। और ये है जी व्हाइट, जबरदस्त किस्म का, ये हम आउट ऑफ कंट्री की डिलीवरी में भी डालते होते हैं। और इसके साथ है जी पेयर में हमने रखा हुआ है जी डाई तावा जो कि रेनबो शेप में है, और इसके अलावा एक और काट वाला भी, वो भी आपको दिखाते हैं, ये आप रेनबो शेप में चेक करें, जबरदस्त किस्म का काइट है। और इसके साथ ये वाला जी, ये भी डाई तावा है, और इसके ऊपर काटें बड़ी प्यारी प्यारी बनी हुई है, इस तरह में हमने अभी डेढ़ तावा भी तैयार कराया आउट ऑफ कंट्री के कस्टमर है उनके लिए। तो एंड में जी ये वाला पेयर लेके जाएंगे अपने साथ जो कि जी छेगीठी की पतंग है, सरांचे में है और बड़ी प्यारी बनी हुई, आप देख सकते हैं कलर कलेक्शन आप इसकी चेक करें, बेबी पिंक कलर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत ही प्यारी बनी हुई है। तो इसके साथ जी फैजान साहब आए हैं जी लेके चरखियां वगैरह, हम चरखियां लेके जाएंगे, चरखी है इसे मैं उड़ाऊंगा इंशाल्लाह, ये 25 नंबर चरखी है जी, 25 चेन में और ये 25 मीनार के अंदर चरखी है, ठीक है। ये दो चरखी हम लेके जा रहे हैं, ऑरेंज कलर है और ब्लैक कलर है, और इंशाल्लाह इनको साथ लेके जाएंगे। साथ में हमने अपना ब्रांड भी रखा है रेड स्नेक, इसको भी साथ लेके जाएंगे क्योंकि हमने इसके साथ तावे डेढ़ तावे भी उड़ाने हैं जो कि हमारे यहाँ पे पड़े हैं, तो अभी निकलते हैं जी लेके, चलो इसको डालो शॉपर में जी। हसन साहब लेके आ गए पतंगे वगैरह, तो ये चरखियां मैंने रख ली हैं, ये हसन साहब तैयार हैं, हम जाएंगे जी अपनी पुरानी सी लैमो में ही जाएंगे, हम गरीब से लोग हैं लेकिन कार से लाने का बड़ा शौक है, तो इंशाल्लाह इनको आज फ्लाई करेंगे। घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की हुई है, और नहीं हो कहीं डबा हो, ठीक है, और कहाँ घर में बड़ी गाड़ी हो, तो बस अभी हम इसमें जा रहे हैं जी, निकल रहे हैं, ठीक है। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने एक बंदा देखा, वो देखे सामने, ये जी सर यहाँ हम गुड्डा ला रहे हैं बच्चे, गुड्डा 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 गुड्डा, किधर जा रहे हो, हैं जा रहे हो गुड्डा लेके, कैसे खाना, गुड्डा उड़ाने के लिए आए हो आप, आप गुड्डा उड़ाने के लिए आए हो, हैं तो फिर क्या खाना है, ये चक्कर खाशक तो आ गया हूँ, आज तो गुड्डे उड़ेंगे, और लियासी के क्या इधर किधर लेके आए, कौन से ये वाले पकौड़े, हाँ ना पकौड़े खिला ना भाई, अच्छा चल पूछ पूछ कितने के ले ले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं महाद भाई पहुंच आए मेरे पास, तो मेरे बगैर ये गुड्डे नहीं उड़ा सकते क्योंकि उनको उड़ाने नहीं आते, मुझे गुड्डे उड़ाने आते हैं, अभी तू पहले खाना खिला भाई, अभी हमने खाना खाना है, ये इनको इनका तो पेट में भर दूंगा, उस तूफान को कौन भरेगा, दोस्त है हमारा, हाँ बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, ये पतंगे उड़ा के देगा हमें, हमें तो बस शुगर लगाना आता है, एक बात ऐसी आ रही है, तू इतना काला क्यों है, मैं तो हूँ पर तू क्यों इतना काला, ये मोबाइल पे कोई फर्क आ रहा है मुझे लग रहा है
अच्छा तो अभी हम किधर लियासी में आए? अभी सर हम लियासी में, लियासी के मोस्ट फेमस पकौड़े हैं यहाँ पे, जिस भाई ने खाने हैं वो आए, ये देख रहे सामने, बहुत फेमस लियासी के पकौड़े हैं, तो जब भी विजिट करें तो लियासी लाजमी है। अभी पकौड़े खाते हैं फिर जाते हैं कारीफ्लाई के लिए। ये हैं जी एबटाबाद के मोस्ट देसी अनार वाली चटनी, अनार वाली चटनी है, और ये देसी खुराक है, देसी पकौड़े, कड़े पकौड़े हैं ये, ये मजे के पकोड़े हैं, ये हलीम वगैरह, तो अभी खाएंगे और फिर जाएंगे जी काइट फ्लाई करेंगे। कैसे साहब अपनी लोकेशन पे पहुंच जाए? माशाल्लाह लोगों को व्यू चेक करवाओ नजर। अभी खाना शाना खाया है, पतंगे वगैरह हमारी आ चुकी हैं, ये पहाड़ी हमने चढ़ना है, काफी ऊपर ट्रैक है और ट्रैक पे हमने ये पतंगे लेके जानी, और व्यू चेक करें जी। ये आपको लेवल का व्यू नजर आ रहा होगा जो की हमारे शहर का व्यू है, ये जबरदस्त। अब इन पहाड़ियों के टॉप पे इस व्यू में हमने काइट फ्लाई करनी है, क्यों हसन? इंशाल्लाह आज बहुत ज्यादा मजा आएगा, इधर काइट फ्लाई करेंगे, देखेंगे, हवा भी बहुत जबरदस्त है, ऊपर टॉप पे जाके पता लगेगा कि कितना मजे का व्यू है, कितना की हवा है, पहाड़ी ऊपर है, बहुत ज्यादा चलना पड़ा है, मोटे को देख वो भी जा रहा है, ये भैंस किसकी खुल गई है। नहीं है यार हमारा भाई, ये कितनी बार इसको बोला कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते, खुद ये काला है, बाकी मजाक किसी का नहीं उड़ाना, अभी पहाड़ी वगैरह हम चढ़े हैं, वो ऊपर जा रहे हैं जी हमारे गुड़े। अच्छा जी हम पहाड़ी चढ़े थे, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और कैसर साहब हमें ये देखें केव बने हुए, पत्थर हैं बड़े बड़े जो कि इस पहाड़ी के ऊपर हैं, बड़े फिट से आ रहे हैं ना, करें बस हैं, थका दिया मेरा सांस फूल गया बाबा जी, हाइकिंग प्लस काइट फ्लाइंग, बड़ी हॉरर किस्म की जगह, और हम जा रहे हैं जी, अभी हम टॉप पे पहुंचने लगे हैं, हाइकिंग के बाद तकरीबन पहुंचने वाले हैं, टॉप ही नहीं है, इधर टॉप ही नहीं है, हाय हाय, यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था, और अभी हमने थंबनेल बनाया है यहाँ पे जो कि आप देखेंगे, और कैसर के हालात खराब हो गए, हमारा टॉप गुआ दिया भाई, कोई ढूंढ के दे, इसे अभी तक टॉप नहीं मिल रहा, टॉप गुआ दिया। ये देखो केव जैसी, ये देखो किसान रास्ता है, बड़ा फिट फिट रास्ता है, और गलियां बनी हुई है, और गलियों से बाहर निकलो तो ये ऐसा व्यू देखने को मिलता है, पकड़ लिए जी ये वाला गुड्डा, हाय हाय हाय, और जबरदस्त किस्म की लोकेशन, हमें लोकेशन मिल गई है, फुल टॉप पे हम आ चुके हैं, और इन लड़कों को जगह वगैरह भी मिल गई है लाइट्स में कन्नियां डालने के लिए, और बहुत ज्यादा थक चुके हैं, क्यों जी पहलवान साहब? बहुत ज्यादा सांस वगैरह चढ़ा है, गाइड का शो करने के लिए हम आए हैं जी एबटाबाद टॉप जो कि लिहासी मस्जिद के पास है, तो जी आप देखें व्यू यहाँ का पूरा हमारा जो सिटी है एबटाबाद आपको यहाँ से नजर आएगा, और इसमें भी टेपे शेपे लग रही है, कन्या शनिया डाल रही हैं, तो इंशाल्लाह इन गाइड्स को भी फ्लाई करेंगे। हाँ जी उड़ा लिया डेढ़ तावा, जो लोग पूछते थे एएसटी का, तो ये चेक कर ले, एएसटी से हम लोग उड़ा रहे हैं डेढ़ तावा और तेज हवा में, देखिए तेज हवा में उड़ा जी डेढ़ तावा, ठीक है जी, ये साथ साथ देखते रहे, तेज हवा में स्पॉटेड है। अच्छा जी, और ये डेढ़ तावा उड़ा है जी एएसटी के थ्रेड से, बड़ी तेज हवा है, और व्यू भी बहुत लेवल के, व्यू का ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे ना, काइट फ्लाई करने का तो और ज्यादा मजा आ रहा है, चस आ रही है, तो अभी ये जी ढाई तावे के अंदर डाल रही हैं जी कनिया वनिया, तो इंशाल्लाह इसको भी फ्लैश लाई करेंगे, साथ में ये वाली पतंग भी है। क्या कर रहा है कैसरे, बड़ा वेट पे क्या कर रहा है, उठा दोबारा से, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, हाय हाय जबरदस्त व्यू में गुड्डा यार, सही लेवल लग रहा है यार, ये देखो एंजॉय, इसको बोलते हैं बाबा जी एंजॉयमेंट, आय हाय हाय मजे का लेवल। अभी हम डालने लगे हैं जी कनिया ढाई तावे के अंदर, और डोर मांझा 25 नंबर के साथ है, और इसको थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है थूक वगैरह, इसलिए बहुत जबरदस्त टेप ला के जा रहे हो, आगे डेढ़ तावा उड़ रहा है भाई, डेढ़ तावा उड़ गया जी, अभी डेढ़ तावा के साथ गुडे के ऊपर फोकस रखने, मेरे ऊपर भी थोड़ा आ जा सर, यार दुख हो गया मेरे से, ढाई सौ बहुत तेज हवा है, हाथ कटिंग कर रहा है,
कोशिश किया कि मैंने काइट फ्लाई करूं तो और पहला गुड़ा मेरा गया और वो आगे चला गया। हसन ने काटा भाई, हसन गुड़ा काट दिया और इधर पेचा लगा दिया इसने दोबारा से। अब गया, आप गया, आप गया, 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 मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे। एक बार मेरे हाथ से स्लिप हुए, दूसरी बार ढीला हुए तो काट गए। हाय हाय, मजा तो आएगा ना भाई, मजा आ रहा है। जबरदस्त हो गया जी, लेवल हो गया जी, लेवल। एसटी के साथ पहलवान साहब उड़ा रहे हैं, हमने तो कटवा दिए, आप उड़ाएं जी, मजा करें जी। एक आप जी, आपने कन्या डाल दी है, हैं? कैसर ने कन्या डाल दी है जी। मैं तो तेज हवा में उड़ाने लगा पतंग, वो भी 25 नंबर 35 मीनार से है, 35 मीनार से। वो जी यहाँ कनी पे जा रहा है, हवा तेज है लेकिन फिर भी कनी ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि बहुत ज्यादा तेज हवा है, कैसर ने ग्लव्स भी नहीं लेके आए और उसके हाथ भी कट गए। तो दूसरी पतंग के अंदर कनिया डालेंगे तो जोड़े में उड़ाते हैं इनको दोनों को, ठीक है? पतंग वगैरह हमारी झूम रही है, सही मजे की आवाज। और ये देखो, अब तू गिराएगा नीचे, तू वैसे है मनुष्य, मुझे लगता है ऐसे ही है ना। हमारी पतंग फट गई, वो नीचे गिर गई है। याद है ये कितना अजीब बंदा है यार, कसम से सारा मजा हमारा इसने ना जाया कर दिया है ना। तो चलो अब ये मैं खुद उड़ाता हूँ यार। आके ना मूड जब खराब हो जाता है ना, तो कैसर ने हमारा मूड खराब किया है। अभी हमने ये वाली पतंग उड़ानी है, पहलवान साहब उड़ाएंगे। असल में वो देखो सारी की सारी पतंगे से खराब कर दी। ये तीले इसके इधर ही रखी, तीले साथ लेके जाएंगे, इसके साथ दोबारा से पतंग रिन्यू करवाएंगे। मेरी गलती नहीं है, हवा तेज है। हवा इतनी भी तेज कैसे हो सकती है कि ये फट गई? हो गई, हो गई, एक और गई। पहलवान साहब क्या कर रहा है यार, पेचा लगाने लगे हैं। वो आगे दो गुड़ों का पेचा है जी, चलो जी लेके जाओ, आप देखते हैं जी। चलो ना, जबरदस्त। और मैं ये उड़ाऊंगा यार, ये मैंने अपना डेढ़ तावा निकाला है गाइस। ये जी महात भाई उड़ाने लगे हैं डेढ़ तावा, डेढ़ तावा, और वो भी 25 नंबर, 25 नंबर से जी। हमने 25 नंबर से 6 गिठी पतंग भी उड़ी है लेकिन हवा बहुत तेज थी इसलिए हमारी जो पतंग है वो फट गई। ये चेक करें जी, बाद का मौसम बहुत मजे का मौसम है जी। चलें जी, अभी हमारा पेचा होने लगा है जी, 25 नंबर 25 नंबर। देखते हैं भाई कौन जो है ना पेचा सही करता है। इधर से हमाद भाई हैं और इधर से ये हमारे दूसरे भाई हैं, दोनों 25 नंबर से उड़ा रहे हैं जी। ये चेक करें जी पेचा जी, ये जी चेक करें जी। अरे हो गया यार, ये जी बेसी करवा दी जी महात भाई ने जी। ये जी महात काइट वाले हैं और ये देखें जी, गुड्डा उड़ाना आता नहीं है, दूसरों को नसीहत कर रहे होते हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं भाई आप? ये इधर फंसी ना होती ना कौन तो गुड्डा नहीं कटता। हाँ तो मेरी दफा भी बात है ना होती, चरखी कोई बंदा पकड़े लेकिन कोई नहीं पकड़ा भाई। यही बात होती है, यही बात होती है, बाद में इंसान दूसरों को ब्लेम करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। सबर कर, तू मेरा गुड्डा कटना से है, तू मेरा गुड्डा तू मेरा कैमरामैन बन के मेरे पीछे आए, पहुंच गए हम चली के पास। सबर आए हटाया गुड्डे अपने अपने भाई, हम आज सही सनोली अभी जाके दोनों को कैसर साहब किसने पकड़ लिया धागा? कोई मसला नहीं जी, अभी हम यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा उस तरफ थे, अभी हम इस तरफ आ गए और हमारा एक गुड्डा वो सामने उड़ रहा है, वो आप देख रहे हैं जबरदस्त किस्म का। एक वो सामने नीचे लड़का उड़ा रहा है जो कि गुड्डा वो ऊपर है हमारे पकड़ा हुआ, काट लिया ना, अभी फिर पीछे जाने की तैयारी। और हम जा रहे हैं जी दोबारा पीछे,
वहाँ से हमने अभी ढाई तावा उड़ाना है, लास्ट गुड़ा उड़ाते हैं क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी असल में हम इस मकसद के लिए आए थे कि आज हवा तो तेज़ थी, लेकिन हम ये देखने आए थे कि जो हमारे पास 26 नंबर का थ्रेड है, 25 नंबर का थ्रेड है, उससे 6 गिठी की पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती। तो हमने फ्लाई भी की है, कटवाई भी है, फट भी की है, लेकिन बताया नए का मकसद जो था वो हमारा हो गया है कि ज़्यादा तेज़ हवा में ये पतंग टूट जाती है, लेकिन मसलन के इतनी हवा हो जो कि शहरों में होती है उस लिहाज से उसमें उड़ जाएगा, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो यहाँ पे उड़ाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अभी यहाँ पे जी पहलवान साहब के पास हम फिर से आ गए। पहलवान साहब कनिया शनिया डाल लें, ठीक है, डाल दिया भैया, बंदोबस्त कर लें आप अपना। मेरा इससे पहले टूट गया था, इस वजह से अभी आपकी बारी आ गई है। ठीक है सर, कनिया शनिया डालने की कोशिश कर रहे हो? हैं पहलवान साहब भी लगे हुए और कैसर की कनिया डाल रही है उड़ाने के लिए। कैसर भाई तावा उड़ने लगे भाई, आपका हमारा तावा उड़ा ढाई, अच्छा ढाई तावा सॉरी सॉरी जी। असन साहब पतंग उड़ा रहे हैं जी, वो सामने से पतंग उड़ा रहे हैं जी। असन मजा आ रहा है पतंग। अभी जी हमारा आखिरी गुड है, शाम का टाइम भी हो गया, मैंने सोचा कि कैसे उड़ा रहा है जी सतरंगी ढाई तावा, उसके साथ पेचा लगाते हैं छिक फिर। अभी हमारा ये भाई ये जा रहा है, काट दिया हमने जी, अब अगला गुड की बारी आ गई यार। भाई का गुड्डा तो बहुत जोश में है भाई। चल 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 हाथ पैर दर, हाथ पैर मार। ये देख रहे निकाल सुलह हो गई है, फाइनली सुलह हो गई है जी। हाथ भाई जी फाइनली जो है ना ये नहीं काटा गया, तो फिर हम लोगों ने बच्चों को दे दिया जी, गिफ्ट कर दिया। हमने कहा जी ये माइदर से गिफ्ट ले लेंगे जी, बच्चा बुढ़ा रहा है तो अब मात भाई मुझे कवा पिलाएंगे। मजा है, बहुत सारे गुड्डे काटे भी हैं, कटवाए भी हैं, और हाथों की आदत आप देख सकते हैं। हाथ तो बेड़ा गर्क हो गया हाथों का जी, देख सकते हैं। छोटे बच्चे सुनाओ ठीक हो? और अभी जी तो लगा रहा है कावा लेने, कावा पीते हैं, मजा लेके कावा पीते हैं। पैसे कौन देगा? पैसे मैं दे दूंगा लेकिन मेरे पास टूटे हुए नहीं है, देने तू नहीं है। ये ऑन कैमरा झूठ बोल रहा है, वो पतंग उसकी वापस आ गई, मुझे कुछ तोड़ी नहीं है, पतंग वापस ले आया। ये पतंग वही है जी जिसका जिसके मैंने तीरे तोड़ दिए थे। ये भाई आप उड़ाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं उड़ रही थी ये, आपसे नहीं थी। तो ये है फाइनली गाइस, तो आज इधर लगा ले, बहुत ज्यादा मजा आया, कावा आ गया जी, अभी कावा वगैरह पीते हैं। और ये है कि अमाद कार्ड्स मेकर के चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, होप्स हो कि आपको अमाद कार्ड्स मेकर की वीडियो पसंद आई होगी और ये व्यू वगैरह भी पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने चैनल का सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मानिल्ला अल्लाह हाफिज। अपने की बारी आई है और कैसर साहब गोट तो मैंने पजी भी पड़ गई है, कैसर साहब ढीले ढीले आ रहे, चलने नहीं हो, फटे हुए गुड्डे लेके जा रहे हैं। सही इनका जो ये है ना, ये बड़ा कीमती है, हाँ ये कांचा बांस है, हाँ जी हम दोबारा बनाएंगे, इंशाल्लाह रिपेयर करवाएंगे।